अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट बनाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम खोल लेंगे एक्सेल को और नवा शीट ले लीजिए। नवा शीट लेने के बाद आप लोग देख लीजिए पहले अटेंडेंस शीट कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है, फिर हमने नेम लिखा है, फिर यहाँ पर हमने डेट डे डिपार्टमेंट लिखा है, उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, और फिर ये हाजिरी लगी है इनकी, और 8 दिन की हाजिरी लगी है, 8 दिन तक लगी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए, इधर भी एक लाइन, इधर भी छोड़ के, और फिर लिखना शुरू कीजिए। यहाँ सीरियल नंबर लिखिए और यहाँ एक लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, और 1 और 2 को सिलेक्ट करके इसको ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे मैं 10 दिन का बना देता हूँ, 10 दिन का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप जूम कर लीजिए, ठीक है, इतना पे। और यहाँ चले जाइए 1 और 1 के बीच, और यहाँ क्लिक करके इसको सेंटर कर दीजिए, ताकि ये सारा का सारा सेंटर में लिखा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लीजिए। उसके बाद ये नेम है, तो नेम लिख लीजिए, तो हम नेम को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं नेम, और यहाँ हम नेम भर देते हैं। नेम लिखने के बाद हमें क्या करना है, लिखना है डेट डे डिपार्टमेंट, ये चीज़ें लिखना है। तो ये चीज़ें लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन को मर्ज करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 लाइन को मर्ज किया गया, तो 3 लाइन को मर्ज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 3 लाइन को मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 लाइन है, 1 लाइन और लेना है, तो यहाँ क्लिक करना है और इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करके हमें रो कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 रो आ गया, एक और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो, 4 रो हमने इंसर्ट कर लिया, हमें 3 पे काम करना है। इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, 3 को, और फिर यहाँ चले जाना है मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ चले जाना है, यहाँ क्लिक कर देना है, यह सेंटर में हो जाए। इसी तरीके से इसको भी 3ों को एक साथ कर देना है, मर्ज करके इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ लिखना है डेट, यहाँ लिखना है डे, और यहाँ लिखना है डिपार्टमेंट, बस ये चीज़ें लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट लिख देना है, जैसे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, और 1 और 2 को सिलेक्ट करके इसको खींच दिया। तो मैं यहाँ तक 8 दिन का लिप बनाना है, तो 8 दिन तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लूँगा 8 दिन तक। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ पर फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ क्लिक करूँगा मैं कॉलम विथ, इस पर क्लिक करके यहाँ 8 है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 4, और फिर एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ, साइज छोटा कर दिया, इनको सेलेक्ट करके 4 पे कर दिया। अब यहाँ पे डे पे मैं लिख दूँगा बस संडे, और यहाँ लिख दूँगा मंडे, और संडे मंडे लिखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, संडे और मंडे को, और यहाँ चले आना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको खींच देना है। यहाँ पर देखिए, अब ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें बॉर्डर लगा देने, तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हमने जाना है ऑल बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर कर देंगे, ये बॉर्डर लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो संडे वाला है इसके सेलेक्ट करके और इसमें कलर कर देंगे, तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर हम कलर कर देंगे। इसी तरीके से जो जो संडे है वहाँ वहाँ हमने कलर कर देना, ठीक है, इस तरीके से कलर कर देते, ये ऊपर वाला भी कलर कर देते, ताकि याद रहे ये 1 तारीख संडे था और 8 तारीख संडे था, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये डिपार्टमेंट भर देना है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये आपको भर देना है। तो हम डिपार्टमेंट भी भर देते हैं, ये डिपार्टमेंट भर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि दिखाई दे साफ साफ, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये दूर से दिखाई दे ऐसे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके अंदर एंट्री करनी है, मतलब हाजिर लगानी है। तो यहाँ मैं पी कर दिया, यहाँ पर मैं ए कर दिया, यहाँ मैं पी कर दिया, प्रजेंट अपसेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से एंट्री कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग एंट्री कर लीजिएगा। इतना पे आप लोगों ने एंट्री कर देना, जो संडे वाला इसमें एंट्री नहीं करनी है, ये छुट्टी का है, इसमें एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है इनको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एंट्री नहीं करनी है, ये इसमें नहीं एंट्री करनी है, इसमें मैंने एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरे से एंट्री हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, मर्ज हो गया। यहाँ एंट्री नहीं करनी, इसमें मैंने कलर कर देना है, पीला कलर कर देना है, ठीक है। ये देखिए,
इसमें एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री यहाँ से करनी है, ये जो नाम है इस पर करनी है, ठीक है। वहाँ पे एंट्री हो गया था, हमने हटा दिया, आपने देखा होगा हमने कैसे हटाया, ठीक है। इतना एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ चले जाइएगा, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है दूसरे नंबर पर, फिर नीचे जाना है यहाँ पर और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें भरना है ए। ए लिखने के बाद हमें करना है फॉर्मेट पे क्लिक और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जाना है फिल पे। फिल पे जाने के बाद हमने कर देना है इसमें लाल कलर का या कोई भी अपने हिसाब से कलर कर देना, ठीक है। तो जैसे मेरे को ये कलर सही लग रहा है, मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है, और ओके कर देना। फिर ओके कर देना। अब यह क्या करेगा, जहाँ जहाँ ए लिखा होगा वहाँ वहाँ कलर कर देगा, सिर्फ इतना ही दूर में, क्योंकि हमने इतना ही दूर सेलेक्ट करके हम सेटिंग किए थे यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना पे आप लोग सेट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और इसको बड़ा कर लेना है इतना पे, ठीक है। और यहाँ एक क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है एक और आपका जो है रो, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक और इसको कर देना है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, क्या टाइप करना है देख लीजिए, अटेंडेंस शीट, तो ये चीज़ हमने टाइप कर देना है, इतना पे हमने लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर लगाने के बाद हमने इसको बड़ा कर देना है, 48 कर देना है हमने साइज, और फिर हमने फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देनी है। फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जो आपको सही लगे वो आप लोग लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे ही फ़ॉन्ट के स्टाइल रखिए, आप लोग अपना भी फ़ॉन्ट के स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से सीट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ नहीं आ रही तो बैक करके देखिए, ठीक है, समझ आएगी ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि मेरे को उम्मीद है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको ज़रूर समझ आएगी। इतना पे करने के बाद आपको क्या करना है, कलर कर देना है, तो मैंने ये वाला कलर कर दिया, तो इस तरीके से इसको कलर कर दिया, ठीक है। जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि आपको साफ दिखाई दे। इस तरीके से आप लोग इसको सेट कर लीजिए, तो देख लीजिए यही चीज़ हमने बनाया आपका यहाँ पे बना के दिया। सेम उसी तरीके से इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ चले जाइए, और यहाँ जाने के बाद प्रिंट पर जाइए और प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका अटेंडेंस शीट बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी में अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और हाजिरी लगा सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंट करना कि यह कितने दिन आया है, कैसे फाइंड किया जाएगा, इसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।